मैं जानता हूँ कि क्लास 11th में आप लोग आ चुके हैं और इसी सोच के साथ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को आप लोगों ने ऑप्ट करे होंगे कि क्लास 11th की इस जर्नी में आप लोग एक ऐसे सब्जेक्ट को चूज कर सको जो इजी हो और आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके, तभी आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन नाम के सब्जेक्ट को ऑप्ट करे हो, क्योंकि इसके अंदर आप लोग स्पोर्ट्स हेल्थ के बारे में पढ़ते हो। ये सब्जेक्ट सच में इजी है, बट अगर आप लोग सही गाइडेंस, सही प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ोगे तो जो फुल मार्क्स लाने का जो सपना है ना, वो आप लोग का अधूरा रह जाएगा। एक चीज समझ लीजिए, नॉर्मल पढ़ के भी इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को इसलिए लेते हैं कि वो अपने मार्क्स को ग्रो कर सके, क्योंकि अगर आप इसमें फुल आउट ऑफ फुल लेकर आते हो तो ऑब्वियसली बात है आपकी मार्कशीट के अंदर ओवरऑल परसेंटेज आप लोग के बढ़ जाते हैं। इसलिए आप लोग को इस फिजिकल एजुकेशन नाम के सब्जेक्ट में थोड़ा सा फोकस करना भी जरूरी है, क्योंकि क्लास 10 के बाद 11 में आप लोग फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और आपको जितना इजी है सब्जेक्ट लगता है, कभी कभार उतना इजी नहीं हो पाता। उसके पीछे का स्पेसिफिक रीजन है कि जो रिसोर्सेस आप लोग फॉलोअप कर रहे हो क्या वो अप टू डेट सिलेबस के साथ है कि नहीं, कहीं आप उस बुक को फॉलोअप तो नहीं कर रहे हो जिसमें आप लोग को सिलेबस के अलावा बाकी बहुत सारी आउटडेटेड चीजें आप लोग को दी हुई है। क्या आप उस बुक को फॉलोअप कर रहे हो जिसके अंदर आप लोग को ढेर सारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली चीजें गिवन है, या आप उस बुक को फॉलोअप कर रहे होंगे हो सकता है जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स आप लोग को मिसिंग देखने को मिल रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि यार हम तो बुक से पढ़ रहे हैं, हम बुक पे फुल ट्रस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो हमको दिक्कतें आ जाती है। क्यों? क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बुक आप लोग को चीजें फॉलोअप करवा रही है कि नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है। तो इस इजी सब्जेक्ट को बुक्स कई बार टफ बना देती है, बिकॉज जब बुक से पढ़ने बैठते हैं तो कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती। आप कहोगे कि भैया एक सेकंड, हम तो आपके वीडियो से देखकर पढ़ते हैं। अच्छी बात है, वीडियो देखने के बाद एक बार बुक के साथ साथ नोट्स भी आप लोग को रिवाइज करना चाहिए, जिससे कि आप लोग की आंसर राइटिंग और ज्यादा बेहतर हो पाती, क्योंकि वीडियोस के थ्रू तुम लोग चैप्टर को समझ जाते हो और किस तरीके से आंसर्स को फ्रेम करना है उसके लिए बुक काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। बट अगर बुक के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स वे में चीजें लिखी रहेगी तो बेसिक सी बात है, आप लोग को कभी दिल नहीं होने वाला है उस बुक को पढ़ने के लिए। तो आपके स्कूल के टीचर्स ने बहुत सारी बुक्स को रिकमेंड करे होंगे, किसी ने आपको सरस्वती रिकमेंड किया होगा जो कई सदियों सालों से चलते हुए आ रही है और आज के टाइम भी मार्केट में आप लोग को देखने को मिल रही है। बट उसमें दिक्कत ये निकल के आती है कि वो बुक बहुत ज्यादा लेंथी होने के साथ साथ वही सिलेबस को वापस से हर साल रिपीट करते हुए आ रही है, जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया और मैक्सिमम स्कूल में वही बुक को फॉलोअप किया जा रहा है। तो किसी भी फेमस बुक को ब्लाइंडली एकदम आप लोग को फॉलोअप नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप अरिहन बुक को फॉलोअप करते हो तो उसमें आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे, कई सारे ऐसे टॉपिक है जो कि मिसिंग है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जब आप ये सोच रहे हो कि हम तो बुक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बुक के अंदर वो सभी सिलेबस होगा, तो जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हमने तो सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब एग्जामिनेशन देने जाते हो तो आप लोग का दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये कौन से टॉपिक थे, तुम्हारी बुक के अंदर थे ही नहीं, तो अरिहन की उस बुक के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके अलावा मार्केट के अंदर आप लोग के पास ढेर सारी बुक्स के ऑप्शन होंगे और ये कंफ्यूजन जरूर आता होगा कि कौन सी बेस्ट बुक रहेगी जिसके साथ हम लोग फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन कर सके, जिसमें अप टू डेट 2024-2025 के अकॉर्डिंग सिलेबस दिया हुआ है और एक ऐसी लैंग्वेज दी हुई है जो आप लोग आसानी से पढ़ के समझ सको। जितना सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर वो कंटेंट आप लोग को हासिल हो सके और आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट कुछ आप लोग को उसके अंदर देखने को ना मिल रहा, इंक्लूडिंग किस टाइप से एमसीक्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग के लिए फ्रेम हो सकते हैं, वो सभी भी उसके अंदर इंक्लूड हो। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूं मेरे एंड से, मार्केट में एक आई है बेस्ट बुक जो फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 के लिए 2024-2025 के सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी, वो रहने वाली है ओसवाल गुरुकुल की फिजिकल एजुकेशन की टेक्स्ट बुक। इस बुक के अंदर आप लोग को सभी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को गिवन है, मतलब ये कि जो ऑफिशियल सिलेबस 2024-2025 का है वो सभी चीजें इसके अंदर आप लोग को देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट आप लोग को लिख कर दिया गया है वो एकदम ईजी कॉन्टेक्स्ट है, मतलब पढ़ के आसानी से आप लोग चीजों को समझ सकते हो। जो ये ईजी सब्जेक्ट है बुक पढ़ने के बाद भी ईजी लगेगा। इसके अलावा अगर आप लोग इस बुक की क्वालिटी देखोगे तो इसकी पेपर क्वालिटी से लेकर फॉन्ट से लेकर सभी चीजें बहुत ज्यादा मस्त है, क्योंकि ये सब चीजें अपीलिंग फॉर्म में होती है जो कई बार पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बुक पूरी तरीके से कलर्ड फॉर्म में आप लोग के लिए मिल रही है, जिससे कि आप लोग को पढ़ने में काफी मजा आने वाला है और सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब करके दी गई, इंक्लूडिंग जहाँ पे टेबल्स आप लोग के लिए प्रॉपर वे में होने चाहिए उसके अंदर सभी चीजें इंक्लूडेड है, विद वेरियस डायग्राम्स आप लोग को यहाँ पे दिए हुए जिसके थ्रू आप लोग विजुअल फॉर्म में चीजों को याद रख सको। इस बुक की खासियत ये भी है कि इसके अंदर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का कंटेंट भी आप लोग को इसी के अंदर दिया है। इसका मतलब फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 के लिए प्रैक्टिकल की बुक अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, इसी बुक के अंदर आप लोग को प्रैक्टिकल का कंटेंट भी देखने को मिल रहा है। हर चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोग को एक्सरसाइजेस गिवन है, जिसमें आप लोग को सभी टाइप के वेरियस क्वेश्चंस लाइक एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस सभी आप लोग को दिए हुए, जिस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग के लिए बन सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल वाले कंटेंट की, तो वहां पे भी प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग सभी चीजें बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप लोग को गिवन है, इंक्लूडिंग डायग्राम टेबल के साथ, जो कि आप लोग को याद करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इस बुक के अंदर आप लोग को सभी इंपॉर्टेंट चीजें बहुत अच्छे से गिवन है, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक आप लोग के लिए रहने वाली है और मैं सच में रिकमेंड कर रहा हूं। तो एक चीज समझो, बहुत सारी बुक वाले मेरे को कॉन्टेक्ट करते हैं, हर बुक को मैं चेक करता हूं और उसके बाद सच में मुझे ये बुक अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोग को
ही रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना, करिकुलम के अकॉर्डिंग अप टू डेट अपने आप को नहीं करेगी, भले ही वो कई सालों से चल रही हो तो उस बुक को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो ऐसी बुक को फॉलोअप करो जो सच में आप लोग के करिकुलम के अकॉर्डिंग चल रही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जो आप लोग को अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए काफी होती है। तो ओसवाल गुरुकुल की ये टेक्स्ट बुक आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसको आप लोग अमेजोन के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हूं, एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिल जाएगा मेरे लिंक के साथ। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसको अमेजोन किंडल के फॉर्म में या फिर गूगल बुक के फॉर्म में आप लोग इसको ई बुक फॉर्मेट के थ्रू भी पढ़ सकते हो अपने मोबाइल फोन में। तो जैसे आप लोग को लगे वैसे आप लोग कर लो, बेटर रहेगा कि आप लोग इसकी हार्ड कॉपी बुला लो, ज्यादा अच्छा आप लोग के लिए ऑप्शन रहेगा। और स्पेशल 5% ऑफ मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा जल्द से जल्द और इस बुक को ऑर्डर कर लो। ये फिजिकल एजुकेशन की बुक आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आपकी क्लास 11 की फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो कितने लोग क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने वाले, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन सब के अलावा फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 के वन शॉट वीडियोस की सीरीज आप लोग के लिए मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूं, तो आई बटन पे जाके आप उसको देख सकते हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट क्लास की सारी अपडेट्स मिलते रहेगी। इसके अलावा मेरे प्रीमियम नोट्स अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाके मेरे प्रीमियम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, जो एग्जामिनेशन के टाइम पे रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाले। नोट्स के लिंक सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाइए चेकआउट करें और अपनी प्रिपरेशन को चार चांद लगा। वीडियो को एंड करने से पहले मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग को फिजिकल एजुकेशन के लिए मेरा चैनल किसने रिकमेंड किया, क्या आपके स्कूल की टीचर ने या आपके सीनियर्स ने, थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर बताना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक बटन जरूर दबाइएगा, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।